मैं जानता हूँ आप लोगों को एनिमे मूवी देखनी है, वो भी हिंदी में, और वही तो मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। टॉप 5 एनिमे मूवीज इन हिंदी, और जितने भी मूवीज मैं बताऊंगा उन सभी मूवी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो। 2022 में रिलीज हुई है एनिमे मूवी, वो भी 3 लैंग्वेजेस के साथ, हिंदी, इंग्लिश और जैपनीज। तो अगर आप लोगों को इस एनिमे मूवी की स्टोरी नहीं मालूम है तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मूवी कहाँ से स्टार्ट हुई है और इसकी स्टोरी क्या है। तो ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे जब एंड हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जब उसकी ब्रोली मूवी आई थी, उसके बाद कुछ साल बीत चुके हैं। इस मूवी में थोड़ा टाइम जंप दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, बचपन में जब अपने छोटे गोकू ने रेड रिबन नाम की एक आर्मी को खत्म कर दिया था, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो फिर से उभर गई है, उसकी जड़ें फिर से मजबूत हो गई हैं और वो दोबारा से गोकू और उसके दोस्तों पे हमला करने के लिए तैयार है। बट अपना गोकू तो अर्थ पर है ही नहीं, वो तो ट्रेनिंग करने में बिजी है। तो यहाँ पे सिर्फ गोहान मौजूद है और पिकलो, और मूवी में उन दोनों को ही हाईलाइट किया गया है। गोहान को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है क्योंकि गोहान के फैंस काफी टाइम से ऑब्सेस थे इस चीज को लेकर कि क्यों गोहान के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको कोई फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा, उसे पावर अप क्यों नहीं मिल रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये हिंदी में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दे रखा है, वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 2, हाउस मूविंग कैसल। 2014 में आई ये एनिमे मूवी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज में से एक है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, एक वुमेन जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसे एक स्पाइटफुल विच श्राप देती है कि वो वुमेन एक ओल्ड लेडी बन के रह जाएगी, एक ओल्ड बॉडी में कैद हो जाएगी, यानी वो एक बुढ़िया बन के रह जाएगी। हर ओनली चांस ऑफ ब्रेकिंग दिस स्पेल लाइज विद अ सेल्फ इंडुलिजेंट। मूवी में एक इनसिक्योर यंग विजर्ड भी है और उसके साथ ही उस चलने वाले कैसल में, तो इन दोनों की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं या नहीं होती हैं, यही देखना है इस मूवी में। मूवी हिंदी में डब अवेलेबल है, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। नंबर 3, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तो रामायण मूवी से तो आप पहले से ही अवेयर होंगे, 1992 में बनी ये एनिमे मूवी इंडिया और जापान ने दोनों ने मिलके बनाई थी, जहां इंडिया की रामायण जापानीज एनिमेशन के साथ दिखाई गई थी, जो कि आने वाली आदि पुरुष मूवी से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अब तो रामायण द प्रिंस ऑफ राम का 4K वर्जन भी आने वाला है, यह में भी आ चुका है। ये एनिमे मूवी अब तक की सबसे बेस्ट एनिमे मूवीज में से एक है। रामायण को एनिमे स्टाइल में देखने का मजा ही कुछ और है, तो स्टोरी के बारे में मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, मूवी डाउनलोड कीजिए और देखिए। IMDb ने भी इसे रेटिंग्स 9.2 आउट ऑफ 10 दी है अभी तक, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस मूवी को अप्रिशिएट किया था, तो इस पर एक रिविजिट तो बनती है, मूवी को जरूर देखिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 4, द रीबर्थ ऑफ बुद्धा। 17 अक्टूबर 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, 17 साल की एक लड़की जिसका नाम है सयाको अमानोकावा, जो चाहती है एक जर्नलिस्ट बनना कानेमोटो की तरह, जो कि एक न्यूज़पेपर राइटर है। बट कानेमोटो एक करप्ट घोटाले में एक गलत रिपोर्ट में शर्मिंदा होकर ट्रेन के आगे कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। उस इंसिडेंस के बाद सयाको आत्माओं को देखने में कैपेबल हो जाती है और लगभग अपना जीवन खो ही देती है। हालांकि उस घटना के बाद से वो एक्सपीरियंस करती है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सयाको के अंदर की जर्नलिस्ट बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है सच्चाई का पता लगाने के लिए, बट जो फोर्स उसके रास्ते में आती है मच मोर फॉर्मिडेबल देन शी एवर इमेजिन्ड। मूवी कुछ अलग ही हटके है ये, अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, द लॉज ऑफ इटर्निटी। ये एनिमे मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और थोड़ी सी हटके है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, रियुता और उसके फ्रेंड्स जो कि साइंस क्लब से हैं, जो विजिट करते हैं म्यूजियम एग्जिबिट में थॉमस एडिशन, जहां वो सीखते हैं एक नई इन्वेंशन के बारे में जिसका नाम होता है स्पिरिट फोन। रियुता और उसके फ्रेंड स्पिरिट फोन बनाते हैं जब थॉमस एडिशन के घोष से उनका कॉन्टेक्ट होता है। उसके बाद बाकी की स्टोरी आपको खुद जाननी पड़ेगी मूवी देखने के बाद, मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके डायरेक्ट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।